करौली में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 अप्रैल को शुरू हो गई है, लेकिन दो दिन में किसी ने नामांकन नहीं भरा। नामांकन के तीसरे दिन शुक्रवार को भाजपा के घोषित प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज राजौरिया अपने समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में सांसद पद से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी ने प्रत्याशी को आचार संहिता पालन करने की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने करौली धौलपुर की जनता के लिए विकास के कार्य किए हैं। उन्हीं विकास की परिकल्पनाओं को देखते हुए मैं करौली धौलपुर का आने वाले 5 साल में कैसे विकास हो, कैसे करौली और धौलपुर पिछड़े हुए जिलों की श्रेणी से निकलकर विकसित जिलों की श्रेणी में जाए, कैसे आधारभूत संरचनाएं, सड़क, पानी, बिजली और बहुत सारे विकास कार्य, विशेष तौर से ERCP का मेरा एक सपना है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिससे करौली और धौलपुर को आने वाले समय में बहुत। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।